हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज है 29 तारीख, तिल गणेश चतुर्थी है। आप तो दोस्तों, आज ये बहुत बड़ा त्यौहार है, हम लोग आज व्रत हैं, तो उसी का दोस्तों हम लोग चल रहे हैं पूजा पाठ करने। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब आपके वहाँ कैसे पूजा पाठ होता है दोस्तों, आप तो कमेंट में बताइएगा। हम कैसे करते हैं ये हम आप लोगों को वीडियो में बता रहे हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज कुछ थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कल बहुत दूर चले गए थे तो उससे थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, इससे मेरा मूड थोड़ा अब्सेंट है। लेकिन वीडियो तो हमारा काम है रोज डालना, तो इसको तो बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सिर जो है यार बहुत दर्द कर रहा है। देखिए, नहाए वहाँ भी कुछ आराम नहीं मिला है। और ये निर्जला त्यौहार है, 8 जब चंद्र उदय होंगे उसके बाद अर्घ दे करके तभी हम लोग कुछ नाश्ता पानी कर सकते हैं। वैसे सारा दिन नीरा जल रहना है, तो आज थोड़ा तबीयत खराब है, लेट हो गया। हमको पूजा पाठ सवेरे कर देना चाहिए था। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं, हम आप पूजा अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये मेज है, मेज पे पूरा ये अपना तैयारी कर लिए हैं। और ये लिए हैं एक सादा पेज है, और इसी पे अब हल्दी से इसका वो अस्तर बनाएंगे चावल से। इसी में स्वस्तिक बना रहे हैं। अभी थोड़ा चावल है, चावल से भी बना रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये कलश बनाए हैं, ये कलश है। अब इसमें मौली धारा लपेटेंगे, अभी अभी यहाँ रखे नहीं है, अंदर से भी लाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अपना ये अस्तदर इस पे रख रहे हैं। अब दोस्तों इसमें थोड़ा हल्दी और चावल, लौंग और फूल, इलायची इस कलश में स्थापित कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और ये दूध है, गणेश जी को दूध चलता है, ये दूध अंदर डाल रहे हैं। एक सिक्का डालना है, लाओ। तो दोस्तों देखिए, ये सिक्का इसमें डाल दे रहे हैं। अब उसके बाद ये पल्लू रखेंगे, पल्लू थोड़ा बड़ा है, हमारा लुटिया छोटा है। अब ये देखिए, ये है, इसके ऊपर चावल रखना है। उसमें ना सिंगरदानी वाला पल्ला, उसमें सुपारी लाना था, सुपारी। अब इस पे हमको दीप जला के रखना है दोस्तों। ना तो जो है देखो, सुपारी इतना बड़ा होगा। दोस्तों देखिए, ये कलश स्थापित कर दिए हैं। बाबू आओ, अभी हम ला के रखेंगे, दीप लाओ। दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहें। तो दोस्तों देखिए, ये दीप है, इसमें तिल का तेल डाल के रुई बत्ती लगा दिए हैं। अब इसको इसी पे रख रहे हैं।
अब दोस्तों सबसे पहले हम दीप को जला दे रहे हैं, क्योंकि हम दीप जला के रख देते हैं सारा दिन और रात, पूरा दीप मेरा जलता है ये। हम आखिर में दीप जलाते हैं, साल में एक बार तो ये सब व्रत आता है, तो इसको भी तो अच्छे से करना चाहिए ना। तो दोस्तों देखिए हम दीप जला दिए हैं और अगरबत्ती भी जला दें। दोस्तों अगरबत्ती देखिए जला दिए हैं, ये भगवान गणेश का और नीचे भी गणेश का ये मूर्ति लगाए हैं फोटो, और ये तो मेरे भगवान श्री राम हैं, इनका भी पूजन करना जरूरी है, क्योंकि अयोध्या में अब ये इनका प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, तो इनको भी करना ही है। दोस्तों देखिए अब बाबू पीछे का पल्लू, दोस्तों देखिए ये पल्लू हम रख रहे हैं, इस पे गौरी गणेश स्थापित करेंगे, एक कलश के सामने जब नीचे रख दे रहे हैं, शाम को पूजा करेंगे गौरी गणेश का। अब ये नवग्रह के लिए पल्लू रख दे रहे हैं, नवग्रह का भी पूजन करेंगे। पाँच हो गया, पाँच दोस्तों देखिए इन नौ को, इन नौ पल्लू रख दिए हैं, नौ ग्रह का पूजन करेंगे इसकी। अब ये सिंदूर है भगवान को इसका टीका कर दे रहे हैं। दोस्तों देखिए ये फूल दूध अच्छत सब इसमें हल्दी मिला के ये अच्छा तो अच्छा सब रख दिए हैं पूजा पाठ करने के लिए, और भगवान श्री गणेश को ये दूध है ये पूरा सब अर्पित कर दे रहे हैं थाली के साथ, पूरा थाली में देखिए सब सजाए हुए हैं। अब भगवान श्री गणेश को इसी तरह पूरा सब चढ़ा दे रहे हैं थाली सहित, देखिए पूरा रखे हैं। अब थोड़ा गंजी खीर और ये सब अब शाम को चढ़ाएंगे, तो वीडियो में सब दिखाएंगे दोस्तों। देखिए पूरा थाली सहित हम चढ़ा दे रहे हैं, भगवान एकदम जैसे मर्जी हुई थी अपना ग्रहण करें ये। ले आ गई हवन कर, तो देखिए आग है इस पे थोड़ा हवन करेंगे, हवन भी यहाँ पे रख लिए हैं।
दोस्तों अब फिर शाम को भी पूजा पाठ करेंगे, जब चंद्र उदय होंगे तो सब फिर इसी तरह करेंगे, उनका भी पूजा पाठ, चंद्र देवता का भी पूजा पाठ करेंगे। दोस्तों अब आरती कर दे रहे हैं, अब शाम को पूजा करेंगे विधिवत से, इनका नाश्ता पानी भी बनाना है, भोग भी बनाना है हमको इनका, तो गंजी उंजी उबालेंगे, तिल का लड्डू जी हमको उबालना है और तिल का लड्डू बनाना है, फिर हम वो कच्चा तिल और गुड़ भी चढ़ाना है, तो ये सब अब शाम को तैयारी करेंगे और चढ़ाएंगे तो वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। अब इतनी टाइम है, सुबह का पूजा है, हम सुबह में इतना इनको तैयारी करके रख देते हैं, और दोस्तों जब अर्घ देते हैं तो फिर नहा वहा के फिर कपड़ा चेंज करके ही अर्घ देते हैं, इस कपड़ा पे नहीं देते हैं, उसका तैयारी किए हैं। तो ये सुबह का टाइम है, हम पूजा पाठ कर दिए हैं अपना, अब आरती बस इनको दिखाना है और आरती दिखा दे रहे हैं, उसके बाद फिर शाम को अच्छे से पूजा पाठ इनका होगा। बाबू के पापा हैं नहीं, कहीं चले गए हैं, आएंगे शाम को तो वो भी पूजा में सम्मिलित रहेंगे। दोस्तों थोड़ा कहीं समझ लीजिए, थोड़ा कहीं बहुत अपना है कि नहीं गए हैं, वीडियो में बताएंगे नहीं, और शाम को आ जाएंगे, वो भी पूजा में रहेंगे। व्रत तो करना ही है, रिलेशन में तनिक कोई घटना हो गया है वो भी गए हैं, तो त्यौहार व्रत ये सब तो करना ही है। तो दोस्तों चल रहे हैं आरती करने, दोस्तों ये आरती है, आरती जला दिए हैं। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मात जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, मात जाति पार्वती पिता महादेवा। रात नहीं आरती है, या पुंतुचार या कमला या शूल वस्त्रादिता या बीड़ा व दंडवंत कर या तेति पद मासिना या ब्रह्मा शिव शंकर पृथ्वी देव सदा वंदिता राम भादु सत्य देव कृते में से शिक्षा डापहा। तो दोस्तों अब इतनी टाइम का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर नवग्रह और कलश पूजन शाम को बढ़िया से भगवान श्री गणेश जी का भोग लगाएंगे, तो वीडियो में फिर दिखाएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो यही देखो, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।